सो हेलो एवरीबडी वेलकम टू द वीडियो सो इन द प्रीवियस वीडियोज़ वी हैव एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज़ किया था एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वी हैव ट्राइड टू चॉक आउट सर्टन थीम्स हमने जो है वो कुछ थीम्स को चॉकआउट करने की जो है वो कोशिश की ठीक है उन थीम्स को चॉकआउट किया था और उसके बाद थीम्स को चॉकआउट करने के बाद जो है हमने देखा था कि सवाल जो है वो किस तरह से पूछे जा रहे हैं इफ़ यू हैवेंट सीन द अर्लियर वीडियो दस पंद्रह मिनट की वीडियो है जस्ट पॉज इट एंड आपको जो है वो देखिए उसको तो हमने जो है वो थीम्स को चॉकआउट किया था तो देखा था कि जनरली जो है वो आपसे सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो जो पहले होमोनिड्स थे चाहे वो आस्ट्रेलोपेथिकस हो चाहे वो आपके पास होमो हैबिलस हो चाहे वो होमो एरेक्टस हो एरेक्ट यहाँ से जो है वो सवाल पूछे जा रहे थे और सवाल जो थे वो इस तरह से पूछे जा रहे थे एक तरह का सवाल था कि आपके पास एनाटॉमिकल फीचर्स कि एनाटॉमिकल फीचर्स जो है वो क्या हैं दूसरा जो सवाल पूछा जाता था इनसे वो ये पूछा जाता था फाइलोजेनी किसकी फाइलोजेनी के बारे में बताइए जैसे आस्ट्रेलोपिथिकल्स की फाइलोजेनी के बारे में पूछ लिया कि अब अलग अलग जो आपके पास स्टेलोपेथिकन्स हैं उनकी क्या उनकी पोजीशन क्या है जो आपके पास फाइलोजेनिक ट्री है उनकी पोजीशन क्या है उसके अंदर जो आपके पास इस्टेलोपैथिकस हैं वो किस तरह से जो है वो इवॉल्व हुए हैं ठीक है ठीके? जो तीसरी चीज़ यहाँ से पूछी जा रही थी वो पूछी जा रही थी कल्चर के बारे में ठीक है कल्चर के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं एक होता है आपका नॉन मटेरियल कल्चर नॉन मटेरियल कल्चर और एक होता है आपका मटेरियल कल्चर नॉन मटेरियल कल्चर के बारे में हमें ज़्यादा जो है वो जानकारी नहीं है जो ज़्यादातर जानकारी है नॉन मटेरियल कल्चर के बारे में वो नियंत्रथाल मैन के बाद आनी शुरू होती है ठीक है तो मटेरियल कल्चर के साथ साथ हम मटेरियल कल्चर को अच्छे से एनालाइज़ करते हैं एंड आफ्टर एनालाइजिंग दिस वी ट्राई टू सी कि आपके पास जो है वो वेरिएशन क्या हैं वेरिएशंस क्या हैं या फिर आपके पास जो है वो डिस्पर्सल का एक्सटेंट क्या है जैसे फॉर एग्जांपल ये सवाल होमो औरक्टस से पूछा जाता है कि होमो ऑरैक्टस के अलग अलग वेरिएशंस के बारे में या फिर अलग अलग जो डिस्पर्सल्स हुए हैं उसके बारे में बताइए तो जनरल जो है वो आपसे जो है ये इस तरह के जो है वो सवाल जो है वो पूछे जाते हैं हाँ ठीक है एक चौथा सवाल जो है वो आजकल एक और बहुत न्यूज़ में है बहुत डिमांड के अंदर है सवाल कि आपके पास जो है व्हाट इज़ <coughs> कि आपके पास ह्यूमंस के ओरिजिन की क्या थ्योरीज हैं तो आपके पास तीन मॉडल्स हैं जो कि ह्यूमन के ओरिजिन को ह्यूमन के आ, किस तरह से वो डिस्पर्स हुआ है उसको समझाते हैं तीन मॉडल्स हैं आपके पास ठीक है एक मल्टी सेंट्रिक है एक यूनिसेंट्रिक है आउट ऑफ अफ्रीका और एक है आपके पास जो है हाइब्रिड हाइब्रिड मॉडल जो कि दोनों को बेसिकली कंबाइन करता है ठीक है और उसके जो है वो एविडेंसेस इंपॉर्टेंट है आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल के एविडेंसेस इंपॉर्टेंट हैं अगर आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल पूछा जाता है सो नाइन्टी चांसेस आर कि आपसे जो है वो उसका क्रिटिकल अनालिस पूछा जाएगा क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब है कि उसके आपको एविडेंसेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे उसको समझाना पड़ेगा कि हाँ जी आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल जो है वो ये है फिर उसके बाद जो कॉन्ट्राडिक्ट्री थ्यूरीज़ हैं उसके कॉन्ट्राडिक्टी थ्यूरीज़ आपके पास यूजोन यूजीन डिबोइस की जो है वो थ्यूरी है जिसको हम कहते हैं मल्टी सेंट्रिक मॉडल ठीक है इट्स अ पैथेटिक मॉडल अच्छा मॉडल नहीं है उसको बहुत सारे लोगों ने खारिज कर दिया है बुरी तरह खारिज कर दिया है लेकिन वहाँ पे लिखना जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है और फिर कंक्लूजन के अंदर जो है वो हाइब्रिडाइज्ड मॉडल को लिखना जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है तो बेसिकली दीज आर द फोर थिंग्स जो कि आपको हर एक जब हम होमो हुन, होमोनेट की बात करेंगे उसको डिस्कस करेंगे तो हर एक के अंदर हम ये चार चीज़ों को जो है वो डिस्कस करने की आगे जो है वो कोशिश करेंगे ठीक है चलिए सो इफ़ यू वॉन्ट टू डाउनलोड द पी डी एफ फाइल अगर आप पी डी एफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं सो प्लीज़ डाउनलोड दोटू आई एस एकेडमी ऐप आप ओ टू आई एस अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं इसके स्टोर सेक्शन के अंदर जाइए इन साइड सेक्शन यू विल फाइंड दिस कोर्स ये कोर्स जो है ये आपको मिलेगा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिविजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स ठीक है इसके रिसोर्स सेक्शन के अंदर जाइए इन साइड द रिसोर्स सेक्शन यू विल फाइंड द पी डी एफ फाइल आपको जो है वो पी डी एफ फाइल मिल जाएगी ओके चलिए सो एस्टेलोपैथिकस सो एस्टेलोपेथिकस इट मीन्स दी साउथ एब देखिए यहाँ पे एस्टेलोपैथिकस के साथ होमो नहीं लगाया गया ठीक है बाकी जितने आपके पास हैं उसके आगे होमो लगाया गया है होमो इरेक्टस होमो होमोहैबलस ठीक है नंद्रथाल मैन होमोसेपियन सबके आगे होमो लगाया गया है ठीक है बिकॉज वी हैव द बाईपेडल पोस्टर इसका मतलब ये नहीं है दैट दे हैड बाय दे डिडेंट हैड द बायपेडल पोस्टर दे हैड बायपेडल पोस्टर बट इट वॉज पार्शल बायपेडलिज्म दी एनाटोमिकल फीचर्स दे आर जस्ट लाइक द एप्स बिल्कुल एप्स जैसे एनाटोमिकल फीचर्स हैं सो एस्टेलोपिथिक्स जो आपके पास जेंसेज है यह आपके पास होमिनिन का जेंसेज है जो कि ईस्ट अफ्रीका के अंदर जो है वो इवॉल्व हुआ है तकरीबन चार मिलियन यानी कि चालीस लाख साल पहले ठीक है एंड फ्रॉम द फोर मिलियन ईयर्स अगो टू टू मिलियन ईयर्स अगो ये जो है ये आपके पास जो है वो एक्सटेंट होना स्टार्ट हो गया था ठीक है सो द सदरन एप एस्टेलो मीन सदरन एंड पिथिकस मीन्स एप ओके सो द सेक्शुअल डायमोरफिज्म सो सेक्शुअल डायमोरफिज्म इट इज प्रेजेंट इन दस्टेलोपेथिकस ठीक है ये जो है वो आपके पास द सेक्शुअल डायमोमफिज्म अमंगलोपेथिकस इट इज मोर इट इज मोर एक्सक्रिएटेड देन इन दी होमोसेपियंस ऑन द मॉडर्न ह्यूमंस तो आपके पास जो है वो मॉडर्न ह्यूम से ज़्यादा जो है सेक्शुअल डायमोरफिजम जो है वो इनके अंदर मिलता है ठीक है सो द मेल्स जो हैं वो पचास प्रतिशत तक जो है वो फिफ्टी परसेंट तक जो है वो फीमेल से ज़्यादा बड़े हैं ठीक है जो कि आपको रंग टांस वगैरह के अंदर कई बार दिखाई देता है एनी वेज सो देंसेज ऑफ द एस्टेलोपैथिकन इट कैन भी डिवाइडेड इंटू टू फॉर्म्स दो फॉर्म्स के अंदर जो है वो आप डिवाइड कर सकते हो वन इज द ग्रेसाइल एंड अदर इज द रोबस्टिस ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनाटोमिकल फीचर्स वी हैव डिवाइडेड दैम इंटू टू पार्ट्स वन इज द ग्रेसाइल फॉर्म्स देखिए अस्टेलोपिथिक्स के कोई एक या दो जो है वो वेरियंट्स नहीं है ठीक है जब हम अस्टेलोपिथिकस की बात करते हैं हम कहते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकीन्स सी आई एन ई एस ये यूज़ करते हैं ठीक है जब ये हम यूज़ करते हैं इसका मतलब क्या है दैट द ऑस्ट्रेलोपिथिकस इट हैड मैनी वेरियंट्स बहुत सारे वेरियंट्स हैं बहुत सारे फॉसिल्स जो हैं वो फ्रॉम द ईस्ट अफ्रीका टू साउथ अफ्रीका टू देंट्रल अफ्रीका बहुत सारे फॉसिल्स जो हैं वो पाए गए हैं ठीक है सो वी हैव डिवाइडेड और वी हैव क्लासिफाइड देम इनटू टू पार्ट्स वन इज ग्रेसाइल फॉर्म अदर इज द रोबस्टिस फॉर्म इन द ग्रेसाइल फॉर्म वी हैव दीज एस्ट्रेलोपेथिक वन इज रेमिडिस एनामेंसिस एफ्रीकनिस एफ्रीकनस ठीक है एफरेन्सिस और एफ्रीकनस ठीक so, so, है सो इट इज लेसर ग्रेसाइल एंड दिस इज दी मोस्ट ग्रसाइल तो जो ग्रसाइल है ग्रसाइल फॉर्म जो है वो इस तरह से जो है वो इंक्रीज होती है ठीक है दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ग्रेसाइल फॉर्म कि सबसे कम ग्रसाइल जो है दैट इज रेमिडस रेमिडिस इट इज द मोस्ट लेसर ग्रसाइल देन उसके बाद जो है वो आपके पास एनामेंसिस देन उसके बाद एफरेन्सिस देन उसके बाद एफ्रीकैनस ठीक है सो दिस इज द ऑर्डर ओके नाउ विल सी द डिस्पर्सल अब हम डिस्पर्सल देखते हैं एफरेन्सिस इट इज़ फाउंड इन कीनिया तानजेनिया यूथोपिया एंड द रिसर्चर्स दे आर द रिचर्ड लीकी मैरी लीकी और आपके पास जो है वो डोनल जॉनसन पहले तो लीकी फैमिली ने किया रिसर्च इसके ऊपर फिर उसके बाद डोनल जॉनसन ने ठीक है और यू कैन राइट डी सी जॉनसन ओके सो देन एफ्रीकनस इन एफ्रीकनस इट इज अगेन फाउंड इन यूथोपिया साउथ अफ्रीका केनिया और आपके पास जो रिसर्चर्स हैं दे आर अगेन रिचर्ड लिकी आपके पास दोबारा से आ गए और उसके साथ जो है वो रिमड डार्ट एंड देन आपके पास एनामेंसेज इट इज फाउंड इन केनिया पीटरसन और मैरी लिकी ओके देन आपके पास जो है वो रेमिडिस इट इज़ फाउंड इन यूथोपिया सॉरी इथोपिया एंड देन आपके पास जो है वो सीनट टिम वाइट और आपके पास जो है सिलेसिया ये जो है वो आपके पास इनके रिसर्चर्स हैं टिम वाइट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर ठीक है सो दीज आर द रिसर्चर्स एंड दीज आर द फॉर्म्स दे दिस इज़ दी डिस्पर्सल ये इनका जो है वो डिस्पर्सल है ओके okay? जब देखिए फाइलोजनी की बात आती है तो फाइलोजनी के अंदर डिस्पर्सल लिखना भी इम्पोर्टेंट होता है ठीक है रिसर्चर्स ना लिखिए रिसर्चर्स अगर आपको ये याद नहीं हो रहे हैं आई आई नो दैट इट्स अ वेरी बिग टास्क कि ये चीज़ों को याद करना रट्टा मारना इजी नहीं है तो अगर आपको रिसर्चर याद नहीं हो रहे हैं तो जस्ट एक काम कीजिए कि आप जो है रिचर्ड लिकी मैरी लिकी ये आपको याद हो जाएंगे डीसी जॉनसन भी बार बार आ जाएगा ये भी याद हो जाएगा रेमंड डार्ट भी बार बार आएंगे ये भी याद हो जाएंगे पैटरसन भी बार बार आएंगे टिम वाइट भी बार बार आएंगे तो इन लोगों को आप दिमाग के अंदर रखिए और जब आप फाइलोजेनी की बात कर रहे हो तो फाइलोजेनी में इंट्रोडक्शन के अंदर इनका नाम डाल दीजिए इट इज़ दी बेस्ट वे इससे एग्ज़ामिनर को पता चल जाता है कि हाँ बच्चे को पता है कि इन लोगों ने काम किया है बट बच्चा हम समझते हैं कि आपके पास जो है वो टाइम नहीं होता एग्ज़ामिनेशन के अंदर हर चीज़ लिखने का हर चीज़ को परफेक्ट बनाने का ठीक है सो रादर वी विल अप्रिशिएट कि अगर आपको जो आप जो है वो इंट्रोडक्शन के अंदर ये चीज़ें लिखते हो तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि बच्चा समझदार है इसको आती हैं चीज़ें पर इसको ये भी पता था कि नीचे इससे लिखा नहीं जाएगा ठीक है so, सो आपको आप जो है वो इस तरह से चीज़ों को लिख सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं देन आपके पास रोबस्ट फॉर्म इन दी रोबस्ट फॉर्म यू हैव अथियोपिथिक्स रोबस्टस एंड बोसई ओके सो दे आर फाउंड इसका हम रिस्पर्सल देखते हैं अथियोपिथिकाउंड केनिया एंड द रिसर्च इज एलन वॉकर बुसई इट इज़ फाउंड इन तंजेरियापिया और सॉरी जो आपके पास आ, जो रिसर्च हैं दे आर जॉर्ज लिकी एलएस बी लिकी और लुइस लिकी मैरी लीकी एंड देन आपके पास जो है रोबस्टस साउथ अफ्रीका रॉबिनसन जे टी रॉबिनसन ठीक है अगेन इनको याद रखिए ठीक है एलन वॉकर सिर्फ अलग हैं और रॉबिनसन एक बार जो है वो अलग आए हैं ओके नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स दी एनाटॉमी एक बार जो है वो हम एनाटॉमी की तरफ मूव करते हैं देन वी विल मूव टूवर्ड्स फाइलोजेनी फिर हम जो है वो फाइलोजेनी की तरफ मूव करेंगे सो वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेसाइल एंड द रोबस्ट फॉर्म ग्रेसाइल और रोबस्ट फॉर्म के अंदर डिफरेंस क्या है सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन द ग्रेसाइल फॉर्म्स दे आर concentrated इन द ईस्टर्न अफ्रीका वो आपको ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर ही उसका कंसनट्रेशन देखने को मिलता है ऑन दी अदर हैंड द रोबस्ट फॉर्म्स दे आर इन बोथ ईस्ट एज वेल एज साउथ अफ्रीका दोनों के अंदर आपको जो है वो इसका रोबस्ट फॉर्म जो है वो देखने को मिलेगा ईस्ट अफ्रीका के अंदर भी मिलेगा साउथ अफ्रीका के अंदर भी मिलेगा सो द रोबस्टस इनके अंदर माइग्रेशन जो है विद इन अफ्रीका इट इज़ मोर व माइग्रेशन जो है वो ज़्यादा रहता है और इसी वजह से जो आपके पास रबस्टस फॉर्म्स हैं दे आर एबल टू लिव मोर वो ज़्यादा टाइम जिंदा रह पाते हैं सो द ग्रेसाइल फॉर्म्स दे आर फ्राम फोर पॉइंट फोर टू टू मिलियन ईयर्स अगो ठीक है लेकिन वो रहे जो है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर रहे हैं इट इज़ टू पॉइंट थ्री मिलियन ईयर्स अगो टू 1.8 मिलियन ईयर्स अगो द हाइट जो है वो रोबस्टस फॉर्म की थोड़ी सी बड़ी हाइट है ठीक है सो द हाइट मैक्सिमम हाइट जो है वो ग्रेसाइल की इट इज़ जस्ट लाइक दंगटान औरंगटान वगैरह की भी इतनी ही हाइट होती है चार फुट के ही होते हैं और आपके पास रोबस्ट फॉर्म चार चार थोड़ी सी हाइट जो है वो ज़्यादा है रोबस्ट फॉर्म का थोड़ा सा जो है वो वेट भी जो है वो थोड़ा सा मीन वेट भी जो है वो दस किलोग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा है देन आपके पास बॉडीली फीचर्स ठीक है सो दीज आर द जनरल फीचर्स टाइम आपको याद रखना है दिस इज इंपॉर्टेंट हाइट वेट भूल सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है देन द बॉडीली फीचर्स ग्रेसाइल फॉर्म यू हैव लॉन्ग बेल्ट लॉन्ग आर्म्स ठीक है और आपके पास जो है जो जो फीचर्स हैं वो आपके पास कुछ एप वाले फीचर्स भी हैं और कुछ जो है वो आपके पास ह्यूमन लाइक -like फीचर्स भी हैं ठीक है थीके? सो ग्रेसाइल फॉर्म के अंदर यू हैव द लाइट बिल्ट रोबस्टस फॉर्म के अंदर यू हैव द हैवी बिल्ट लॉन्ग आर्म्स दोनों के अंदर रहेंगे दिस मीन्स कि आप जो है वो पिछली वाली चीज़ यहाँ पे लिखोगे ठीक है ग्रेसाइल फॉर्म के अंदर दोनों फीचर्स हैं एप वाले फ़ीचर्स जैसे आपके पास एफरेंसेस के अंदर ज़्यादा एप लाइक फीचर्स हैं और आपके पास जो है वो एफ्रीकनस के अंदर जो है ज़्यादा ह्यूमन लाइक फीचर्स हैं और इनके अंदर जो सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म है इट इज़ लेस बट इन रोबस्ट फॉर्म्स द सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म इट इज मच मोर मार्क्ड ठीक है और इसी की वजह से आपके पास जो है वो प्रोफेसर लव जो लव जो ठीक है नाम बड़ा मजेदार है इनका प्रोफेसर लव जो है ये मानते हैं कि आपके पास जो है इन रोबस्ट फॉर्म्स देर वॉज डिवीजन ऑफ वर्क डिवीजन ऑफ वर्क और डिवीजन ऑफ लेबर जो है इट वॉज मच मार्क्ड बहुत मार्किंग mark, थी प्रॉपर मार्किंग थी सेक्शुअल डायमोरफिज्म की ठीक है आज भी जो है वो एविडेंसेस मिलते हैं जब तो वी आर एबल टू चॉक आउट कि कौन जो है वो आपके पास मेल है कौन जो है वो फ़ीमेल है जब आप कोई क्लासिकल किताब पढ़ोगे तो वहाँ पे साफ साफ ये जो है वो ये चीज़ें आपको मिलेंगी वहाँ पे लिखी हुई दैट इट वॉज दी करेनियल और इट वॉज़ दी करेनियम और इट वॉज़ दी फॉसिल ऑफ आ फीमेल इतने साल की फ़ीमेल का फॉसिल मिला तो हमें क्या पता चला कि फीमेल क्या है कौन है बिकॉज इन द रोबस्ट फॉर्म्स इन द इन द जनरल ऑल्सो द सेक्शुअल डायमोरफिज्म इट वॉज देयर ठीक है देन द करेनियल कैपेसिटी द करेनियल कैपेसिटी इन द इट इज नियरली सेम बस आपके पास जो है द रेंज ऑफ द करेनियल कैपेसिटी इन द ग्रेसाइल फॉर्म इट इज मोर द करेनियल वॉल्ट इन द ग्रेसाइल इट इज हाई एंड एक्सपेंडेड हेयर इट इज लो प्लेस्ड एंड एक्सपेंडेड ठीक है जो रोबस्ट फॉर्म्स के अंदर हैं सेजिटल क्रेस्ट इन द ग्रेसाइल्स आपके पास जो है सॉरी uh, हाँ इन द ग्रेसाइल्स इट इज एब्सेंट एंड इन द रोबस्ट इट इज प्रेजेंट पोजिशन ऑफ ये ये जो, ये वाले पिछला जो बन है ऑसिपिटल टॉरस इट इज़ लो इट इज हाई टेम्पोरल फोसा टेम्पोरल फोसा इट इज़ मीडियम इट इज़ वेरी लार्ज फ्रंटल रीजन इट इज़ हाई एंड राउंडेड इट इज़ लॉन्ग एंड ब्रॉड ठीक है तो आपके पास फ्लैट फेस है इसके अंदर तो फ्रंटल रीजन का जाइगोमेट्रिक आर्च इट इज मॉडरेटली लार्ज इट इज हेयर इन मैसेव ठीक है जाइगोमेट्रिक आर्च ठीक है आई होप ये सारी चीज़ें आपको पता भी होंगी अगर याद भूल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आप जो है वो एक बार गूगल करके इसका जो है वो एक बार देख लीजिएगा देन द बिटल रिज आर द सुपरा ऑर्बिटल रिजिस दे आर लेस परमानेंट आपके पास इनके लेस परमानेंट ब्रोरेजिस हेयर यू हैव दार्ज परमानेंट ब्रोरेजिस और हेयर यू हैव द लेसर और द हेर यू हैव दार्जर द मेस्ट्रॉयड प्रोसेस द मेस्ट्रॉयड प्रोसेस ठीक है ये जो आपके पास ये कान के नीचे वाली जो हड्डी है ठीक है और ये इट इज स्लाइटली डेवलप्ड Here it is not properly developed. The foramen magnum it is quite forward placed. The foramen magnum it is quite forward place. Here it is more forward place. ठीक है ये जो है वो अभी भी it is not up to base. जितना हमारा base की जगह के ऊपर foramen magnum है उतना यहाँ पे नहीं है आपके पास. The jaws. The jaws they are large and extremely prognathism. ठीक है एक्सट्रीमली प्रोग्रेथनस है प्रोग्रैथनस का मतलब है आगे की तरफ जॉज जो है वो आगे की तरफ है हेयर यू हैव लार्ज और आपके पास जो है वो प्रोग्रेथनिज़्म जो है वो ज़्यादा हो चुका है बड़ा हो चुका है ठीक है प्रोग्रेथिज्म दोनों के अंदर है ऐसा नहीं है कि आपके पास प्रोग्रेसम ख़त्म हो गया प्रोग्रेसम जाके जो है वो आपके पास कहीं जाके नियंद्र वगैरह में जाके जो है वो ख़त्म होने की कगार पे आएगा

ठीक है कैनाइंस दे आर मॉडरेटली लार्ज दैन द मोलर्स ठीक है हेयर द इंसीजर द स्मॉल द कनाइंस दे आर लार्ज साइज प्री मोलर्स एंड स्मॉल साइज इंसीजर्स का है कैनाइंस का है और प्री मोलर -molar और मोलर्स का बहुत बड़ा साइज़ है ठीक है जैसे आपके पास जो है वो चिमपेंजस के अंदर होता है ठीक है खैर चिम्पेंजिस के अंदर कैनाइंस का भी जो है वो बड़ा साइज़ होता है इनका थोड़ा सा कम है ठीक है सो द पेलविस एंड द लेग बोन सो आपके पास जो है वो जैसे हमारे अंदर है इट इज़ वेरी क्लोज ठीक है इट इज़ वेरी क्लोज टू दी होमोनिड पैटर्न और जैस आपके पास जो है इट इज़ लाइक जो आपके पास रोबस्टस uh, के अंदर है इट इज़ लाइक द कम्बिनेशन ऑफ दी गुरीलाइड ठीक है बिल्कुल गुरीला जैसे गुरीला का क्या होता है कि थोड़ा सा इलॉन्गेटेड होता है ये जो पेल्विस वाला बोन है थोड़ा सा इलॉन्गेट होता है और थोड़ा सा हुमिड पैटर्न है जो इस्टियम के अंदर जो पैटर्न दिखाई देता है थोड़ा सा वो बिल्कुल हमारे जैसा है ठीक है थोड़ी सी यानी कि विड्थ जो है वो आनी शुरू हो गई है इसके अंदर देन फुट द फुट आपके पास जो है देर इज़ एब्सेंस ऑफ द डाइवर्जेंट टो ठीक है बिग टो का मतलब जो आपका अंगूठा है तो जैसे आप इन इनके अंदर जो है वो डायवर्जेंट बिगटो है आपके पास रोबस्ट के अंदर और ग्रेसाइल के अंदर जो है इट इज़ एबसेंस ऑफ द डायवर्जेंट बिगटो ठीक है इन केस यू आर नॉट एबल टू फॉलो व्हाट आई एम सेइंग तो जस्ट इनको एक बार गूगल करके देखते रहिएगा तो आपको जो है वो उसके पिक्चर से पता चल जाएगा कि किन चीज़ों की बात हो रही है ठीक है इसके आगे जो है जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं डायग्राम्स ड्रॉ करने दिस इज़ द ग्रेसाइल फॉर्म यू कैन सी ऑल दोज थिंगस ठीक है ये वो जो सारी चीज़ें हैं मेस्ट्रॉइड प्रोसेस दे सकते हो हॉस्पिटल बर्न वो देख सकते हो कि ऊपर की तरफ प्लेसड है यहाँ पर प्रोग्रेथिज्म देख सकते हो आप ठीक है जाइगोमेट्रिक आर्चिस दे सकते हो कि जयगोमेट्रिक आर्चिज़ हैं बट दे आर लेसर ठीक है ये देख सकते हो कि आपके पास जो जो आ, सर है वो जो है वो आपके पास इट इज़ राउंडेड ठीक है जो वर्टिकल फ्रंट है इट इज़ राउंडेड ठीक है आपके पास जो है सेजिटल क्रेस्ट इट इज़ डिक्रीज दोज थिंग्स यू कैन सी हेयर ये सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो ठीक है देन आपके पास अगला जो आता है दैट इज द ऑस्टेलोपैथिकस रोबस्ट फॉर्म इन दी ऑस्टेलोपैथिकस रोबस्ट फॉर्म जाइगोमेट्रिक आर्क इट इज मोर प्रोफाउंड जो आपके पास ब्रोरेज हैं ये आपके पास ज़्यादा बड़ी हैं जो आपके पास सेजिटल क्रेस्ट है इट इज क्वाइट परफाउंड जो आपके पास uh, जो प्रोग्रेथिज्म uh, है इट इज़ मोर द इंसीजर्स एंड द मोलर्स देखिए मोलर्स प्री मोलर जो हैं वो कितने बड़े हैं ठीक है इन्सीजर्स जो है वो मोलर्स प्री मोलर से जो है वो छोटे हैं गेटिंग द पॉइंट सो दीज आर दीज आर सम फिजिकल फीचर्स ये आपके पास कुछ फिजिकल फीचर्स हैं ठीक है गेटिंग द पॉइंट सो आई होप दिस वॉज क्लियर सो नाउ द क्वेश्चन अब जो है वो हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं चलिए यहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम क्वेश्चन एक्सप्लेन द फिजिकल फीचर्स ऑफ एस्टेलोपिथिकन ठीक है एस्टेलोपिथिकन्स के फिजिकल फीचर्स के बारे में आप बात कीजिए ना सी देखिए अब एक एक अस्टेलोपिथिकन को आप नहीं लिख सकते और उसके फिजिकल फीचर को आप नहीं बता सकते कि आप एक को उठाए और उसके बत, उसको बताया इट विल बी वेरी हेक्टिक फॉर यू बेसिकली आपके पास जो है द इंट्रोडक्शन इट अब देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर को अपने हिसाब से मोल्ड करना पड़ेगा इन द इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन के अंदर जो है वो आप लिखिए कि आप जो है जो अस्टेलोपेथिकस है अस्टेलोपेथिकस जो है वो फोर मिलियन ईयर्स अगो से लेके आपके पास जो है लगभग लगभग जो है इट इज़ अबाउट टू मिलियन ईयर्स अगो ये हुआ और दो मिलियन ईयर या फिर वन पॉइंट फाइव मिलियन ईयर्स के बाद जो है ये जो है वो एक्सटेंट हो गया सो ड्यूरिंग दिस लाइफ स्पैन जो आपके पास अस्ट्रेलोपेथिकस हैं इट कैन भी डिवाइडेड इन टू टू पार्टस ठीक है और अकॉर्डिंग टू द रिसर्च दैट आर डन बाय लुइस लिकी एलएस बी लिकी मैरी लिकी डी सी जॉनसन रेमंड डार्ट टिम वाइट पीटरसन एक्सेट्रा ती अस्टेलोपेथिकस दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स दो पार्ट्स के अंदर आप अस्टेलोपे पिथिकस को जो है वो डिवाइड कर सकते हो ग्रसाइल और आपके पास जो है वो रबस्ट ग्रसाइल के अंदर जो है वो आपके पास कौन कौन से आ जाते हैं वो लिख दीजिए रोबस्ट के अंदर जो है वो आपके पास कौन कौन से आ जाते हैं वो लिख दीजिए ये वाला ठीक है ग्रसाइल के अंदर रेमिडस एनामेंसिस एफ्रीकनस एफरेन्सिस और अफ्रीकनस ठीक है दे आर कंसेंट्रेटेड ऑन ईस्ट एशिया सॉरी ईस्ट अफ्रीका ईस्ट अफ्रीका के अंदर ये कंसेंट्रेटेड है और आपके पास जो है रोबस्ट फॉर्म आथियोपिथिकस इसके नीचे पैरेंथरोपस आएगा पैरेंथ्रोपस क्यों लिखते हैं बिकॉज दे आर मोर एप लाइक ये ज्यादा जो है वो एप लाइक -like होते हैं तो इनको हम पैरेंथ्रोपस के अंदर रखते हैं so, सो आथियोपिथिकस रोबस्टस बोसाई तो आथियोपेथिकस रोबस्टस वैसे ही याद रखना पेरेंथ्रोपस यहाँ पे कॉमन आ जाएगा ठीक है दैट यू हैव टू राइट उन चीज़ों को आपको जो है वो लिखना है ठीक है और फिर जो है वो आप ये डायग्राम बनाइएगा इसको टेबल बनाइएगा और टेबल में जो है वो ये सारी चीज़ें हाइट वेट ज़रूरी नहीं है टाइम आपने ऑलरेडी लिख दिया है ये आपने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है सो जस्ट स्टार्ट विद दिस यहाँ से जो है वो बॉडीली फीचर से आप शुरू कर सकते हैं जस्ट ड्रॉ दिस इसको बनाइएगा और आपका जो है और देन यू हैव टू ड्रॉ दिज डायग्राम डायग्राम्स आर वेरी 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 इम्पोर्टेंट डायग्राम्स को ड्रॉ करना ही करना है करना ही करना है डायग्राम्स को ठीक है सो बेसिकली दिस विल बी द्रेसाइल फॉर्म रोबस्टस फॉर्म फिर उसके बाद आपने जो है वो टेबल बनाया टेबल बनाया जिसके अंदर आपने जो है वो फ़ीचर्स को एक्सप्लेन कर दिया दैट वाट आर द फीचर्स ऑफ ग्रेसाइल एंड वॉट आर द फीचर्स ऑफ द रोबस्टिस फिर आपने जो है वो डायग्राम बनाया ठीक है डायग्राम बना के रोबस्टस का डायग्राम बनाया और आपके पास जो है वो ग्रेसाइल का जो है डायग्राम बनाया दोनों का जो है वो आपने डायग्राम बना दिया देन आफ्टर दैट एक बार डायग्राम बनाने के बाद जो है यू हैव टू कंक्लूड फिर जो है वो आपको कंक्लूड करना है ठीक है कंक्लूजन यही रहेगा कि आपके पास जो है अस्टेलोपेथिकस जो है इट इज़ ऑब्वियसली द डॉन ऑफ मैन काइंड ये जो है एक डॉन ऑफ मैन काइंड की तरह से जो है वो हम इसको देख सकते हैं कि इसके बाद और बहुत सारे जो है वो होमरेड स्पीसीज जो है वो इवॉल्व करें ठीक है ऑल दो हम ये श्योर नहीं है कि कैसे इवॉल्व करें बट इट इज़ फॉर श्योर द डॉन ऑफ माइ मैन काइंड ठीक है सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट इस तरह से जो है वो पंद्रह मार्क्स का ये क्वेश्चन है दिस इज हाउ यू हैव टू राइट सो प्लीज राइट इट डाउन एंड सेंड इट इन हेयर यहाँ पे इस नंबर के ऊपर जो है वो आप भेज सकते हैं ठीक है बाकी कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेरी हो यू कैन राइट इट इन हेयर यहाँ पे जो है वो आप इसको भेज सकते हैं चलिए थैंक यू वेरी मच